हेलो फ्रेंड्स, आई एम कांचन। नोमिस किचन में आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं स्पाइसी प्रॉन्स करी। यहाँ पे मैंने लिया है प्रॉन्स। प्रॉन्स को घर पे कैसे क्लीन करना है, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। तो प्रॉन्स को हम मैरिनेट करने वाले हैं। इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, धना जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर। उसके साथ डालने वाली हूँ हिरवा बटन। उसमें मैंने लिया है धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन। उसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था, तो 3 टेबल स्पून इसे मैं डाल रही हूँ। उसके साथ डालने वाली हूँ 1/2 नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक। इसे हम मिक्स कर लेंगे और मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे एक 15 से 20 मिनट के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हुआ ना, तो आप उसे मैरिनेट करके फ्रिज में रख सकते हो। ग्रेवी बनाने के लिए लिया है ओनियन, ड्राई कोकोनट और अदरक लहसुन। इसे मैं भुनने वाली हूँ। कढ़ाई में डाल रही हूँ ओनियन और इसे मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी। ओनियन हमारा फ्राई हो चुका है। इसमें डालने वाली हूँ ड्राई कोकोनट, इसे मैंने कद्दूकस किया था, अदरक और लहसुन, और इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बारीक कटा हुआ एक टमाटर, इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। इस मिश्रण को मैं थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और मिक्सर में डाल के इसके एक पेस्ट बना लूँगी। बारीक पेस्ट आपको बनानी है। ऑयल में डाल रही हूँ गरम मसाला, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी और मसाले की पेस्ट, जिसे हमने अभी मिक्सर में ग्राइंड किया था। और इस पेस्ट को मैं अच्छी तरह से भूनने वाली हूँ। जब तक साइड से ऑयल नहीं छूटता ना, तब तक हम इसे भूनने वाले हैं। मसाले की पेस्ट अच्छी तरह से भून गई। आप यहाँ पे देख सकते हो साइड से ऑयल निकल रहा है। इस तरह से हम इसे भूनना है। इसमें डालने वाली हूँ मैरिनेट की हुई प्रॉन्स। प्रॉन्स डालने के बाद इसे मैं 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। उसके बाद इसमें डालने वाली हूँ पानी, और आपके हिसाब से आप करी कम या ज़्यादा रख सकते हो। पानी डालने के बाद इसमें पका लूँगी 1 से 6 मिनट के लिए। पे हमारे स्पाइसी से प्रॉन्स करी खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। इसके हम प्लेटिंग कर लेंगे। प्रॉन्स करी खाने के लिए रेडी हो चुके हैं। आप इसे रोटी के साथ, चावल के साथ या फिर भाकरे के साथ खा सकते हो। रेसिपी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए। वीडियो किसी भी कारण से अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग नोमिस किचन।